दोस्तों आज की इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि बॉडी की स्टिफनेस को कैसे रिमूव करते हैं। होता क्या है कि जब कोई नया एक्टर फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आता है, परफॉर्म करता है या ऑडिशन देता है, तो बॉडी स्टिफ हो जाती है और खुल के बॉडी मूव नहीं करती है, हाथ मूव नहीं करते हैं, बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, और उसकी वजह से ना बड़ा अजीब सा दिखता है, डेड सी दिखती परफॉर्मेंस, देखने वाले को मजा नहीं आता। तो बॉडी का फ्रीली मूव होना एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज हमने डिजाइन की है, कुछ नहीं करना, एक सिंपल सी मूवमेंट है। आपको क्या करना है कि ये जो पोर्शन है ये इसको लूज करना है और धीरे 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 ये मूवमेंट करना है। धीरे धीरे फिर इस मूवमेंट को हम बढ़ाते जाएंगे, पूरा लूज करेंगे, जितना पीछे जा सकते उतना पीछे जाएंगे और फिर पूरा नीचे जाते हुए हाथों को जमीन से टच करते हुए फिर ये वापस आए, और ये मूवमेंट 10-15 सेकंड 20 सेकंड के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखा आपने, ये एक सिंपल सी मूवमेंट है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो अभी जरा हम करण के साथ भी देखते हैं ये एक्सरसाइज। हाँ करण। यस सर। तुमको मालूम है क्या करना है? यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट। हाँ करण। यस सर। क्या बेनिफिट है इस एक्सरसाइज से? सर, एक्सरसाइज से ये बॉडी की जो स्टिफनेस होती है ना वो सब पूरी से दूर हो जाती है, हम अपनी बॉडी को फ्रीली मूव कर सकते हैं, और ये सर एक्टर के लिए बहुत जरूरी है सर। तो देखा आपने, करण ने भी एक्सरसाइज की और उसने बताया कि एक्सरसाइज करके बेनिफिट होता है, और वास्तव में बेनिफिट होता है, आपकी बॉडी की स्टिफनेस चली जाती है, आपका हेजिटेशन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एक्सरसाइज जितनी भी हमारी, इनसे एक्टिंग तो इम्प्रूव होती है प्लस हेजिटेशन भी खत्म होता है, जिसमें से ये एक बॉडी मूवमेंट की ये जो एक्सरसाइज है ये भी उनमें से एक है। और अभी आगे, इसके आगे जो आने वाली एक्सरसाइज है उसमें हम ये बताएंगे कि एक ही एक्सरसाइज में आपको अपने एक्सप्रेशन, वॉइस और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से कंबाइन करना है एक ही एक्सरसाइज में।